एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट पिताजी के नाम से है और एंड्रयू यंग फाउंडेशन है, अमेरिका की एक फाउंडेशन है, उनके थ्रू ये मैं यहाँ पे ये डोनेट कर रहा हूँ 3 अनुमंडल हॉस्पिटल में और 3 मैं खगड़िया में किया सदर हॉस्पिटल में। और मुझे जब मौका मिलता है ऐसा कुछ काम करने का मानवता के लिए, मैं हर समय तत्पर रहता हूँ, क्योंकि मानवता के लिए किया हुआ कोई भी काम विफल नहीं होता है जीवन में। और यहाँ पे मैं सारा अभी इंस्पेक्शन भी किया, देखा भी, यहाँ पे बहुत अच्छा कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा था हमारे हॉस्पिटल में, अनुमंडल हॉस्पिटल में। इसके लिए मैं यहाँ पे सभी डॉक्टर्स के टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से ये काम किया है। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर से जो उम्मीद है हम लोगों की कोरोना की लहर आने वाली है तो उसमें ये बहुत कारगर होगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। और यहाँ पे हॉस्पिटल भी बन के अगले 18 महीना में तैयार हो जाएगा, लेकिन तब तक जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, ये तो बहम जो है ये कुछ सोशल स्टिग्मा आप कह सकते हैं, एक ख़ास कम्युनिटी को वैक्सीन को लेकर के बहम है ऐसा, जबकि एक्चुअल है नहीं। पूरा दुनिया जितने लोग वैक्सीन लिए हैं वो बच रहे हैं, भारत में भी देखा गया है। तो मैं यही आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि जितना हो सके आप लोग जो भी 18 प्लस हैं अपने आप को रजिस्टर करें, चाहे किसी धर्म जाति के हों, वैक्सीन लीजिएगा तो आप ज़रूर बचिएगा। और यही एक उपाय है, वैक्सीन आप लगवाएँ और मास्क पहने, ये बहुत बड़ा उपाय का आपको करना पड़ेगा और बहुत आपकी मदद चाहिए मीडिया की भी, तभी ये संभव हो सकता है। इस बात को दूर करना हमारा फ़र्ज है। और मैं खासकर जो ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं कि वैक्सीन से कुछ हमें नुकसान होने वाला है, एकदम गलत है ये। हमारे भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों बन रहा है और पूरा जाँच के बाद, पूरा रिसर्च के बाद, और उसका ऐसा कोई भी दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ रहा है, जबकि वो हमारे जान को बचाने का काम कर रहा है। हाँ, नहीं अब इसको ना प्रायोरिटी बेसिस पे 2 दिन में हटवाइए, अब समय सीमा होता है और काम बाधित हो जाएगा। आप इसका जो एस्टीमेट होगा पेमेंट आप करना है, ये कर देंगे, आप एस्टीमेट दीजिए पेमेंट होगा अभी। आज आप वहाँ से जाकर एस्टीमेट लीजिए SDO से, ठीक है? SDO को फ़ोन लगाना भाई।